का आगमन हो या दिवाली पर लक्ष्मी जी का आना, रंगोली बहुत ही खास चीज है। आज रंगोली जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है ग्लिटर रंगोली, जो कि आम रंगोली से बिल्कुल हटके है। आमतौर पर आप फूलों की रंगोली बनाते हैं या फिर सैंड की या फिर किसी और चीज़ की, लेकिन आज हम बनाएंगे ग्लिटर रंगोली जो कि दिवाली की बहुत ही स्पेशल चीज़ होगी। एक और खास बात जो इस रंगोली की है वो ये कि ये रीयूजेबल रंगोली है, एक बार बनाने के बाद इसे बार बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं रीयूजेबल ग्लिटर की रंगोली। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं एक कटआउट, इस तरीके की शेप में कटा हुआ एडेसिव, अलग अलग तरीके के ग्लिटर्स आप अपनी मर्जी के कलर्स के ले सकते हैं, कुछ दिए जो कि हम रंगोली पे सजाएंगे और एक ब्रश। तो सबसे पहले हम अंदर की तरफ से ग्लिटर रंगोली बनाना शुरू करते हैं। आप पहले कलर की प्लानिंग कर लीजिए कि आपको कहाँ पर कौन से कलर का ग्लिटर रखना है, और उतने ही एरिए में बहुत ध्यान से आप ब्रश से एडेसिव लगा दीजिए। कलर स्कीम जो है वो कंट्रास्टिंग देते हुए आप इस्तेमाल कीजिएगा। ग्लिटर खूब आप अच्छी तरह से लगा दीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लिटर होगा वो हम झाड़ देंगे। आप चाहें तो पहले जो बेस कलर है, जिस कलर का आपको ग्लिटर लगाना है, उस कलर का बेस पेंट भी कर सकते हैं, ताकि यदि कहीं पर हल्का सा ग्लिटर जो है वो ना आए तो भी वो बुरा ना लगे और बेस का कलर हल्का सा विजिबल होता रहे। देखिए हमने इस पर सिल्वर ग्लिटर लगाया। इसके बाद यहाँ पर मैंने पिंक कलर प्लान किया है। एक एक करके हम इस सारे पीसेस पर पिंक कलर के हम ग्लिटर्स लगाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रंगोली है। यदि आप दिवाली के दिन बहुत ही व्यस्त हैं और आपको इसका टाइम नहीं मिल पा रहा रंगोली बनाने का, तो ग्लिटर रंगोली ऐसी है कि लगने में भी बहुत प्यारी लगेगी और बहुत ही जल्दी से बनेगी। छोटे बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पिंक कलर भी हो गया, अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। इस कलर के कंट्रास्ट जो है वो आप दियों के कलर मैच कर सकते हैं। जिस कलर के आपको दिए रखने हैं उसी के कंट्रास्ट या मैचिंग में आप ग्लिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन कलर भी हो गया, अब बाउंड्री पे मैंने ब्लू कलर प्लान किया है। इस तरह से आप चेक कर लीजिए कहीं पर रह तो नहीं गया ग्लिटर लगाना आपका, और इसको आप इस तरह से पूरा कर लीजिए। देखिए कितनी फटाफट ये रंगोली आपकी तैयार हो गई। दिवाली के दिन वैसे ही आप इतने बिजी होंगे कि आप कई बार रंगोली बनाना चाह के भी ना बना पाएं, तो ऐसी रंगोली यदि आपको आती होगी तो आप रंगोली बनाना भूलेंगे नहीं। ये हमारा रेडी हो गया, अब हम जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे पलट के झाड़ देंगे। देखिए कितनी अमेजिंग सी रंगोली बन गई और कितने कम समय में। अब इस पे हम दिए लगाएंगे और इसे हाईलाइट करेंगे। इसे हाईलाइट करने के लिए हम कुछ ये रोज पेटल्स इसके चारों तरफ हम डाल देते हैं। ठीक है, अब इस पे हम दिए लगाएंगे। सबसे पहले हम एक दिया सेंटर में रखेंगे जो कि बड़ा दिया होगा, और फिर इस तरह जो कि थोड़े से बोल्ड पार्ट्स हैं उस जगह पर हम ये सारे दिए प्लेस कर देंगे तरीके से। इस पे आप जेल के दिए या फिर तेल के दिए या फिर कैंडल्स, छोटी कैंडल्स आप प्लेस कर सकते हैं। अब इसको हम लिट करेंगे, फिर आप देखिए कितना सुंदर लगेगा। तो देखिए हमारी ये सुंदर सी रंगोली बनके तैयार हो गई, और ये रंगोली हमारी रीयूजेबल भी है और हर बार की रंगोली से कुछ हटके भी है। तो इस दिवाली अपने घर पे आप ऐसी ही रंगोली जरूर बनाइएगा। और अब दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा।